बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अलग अलग तरह के फॉर्मेटिंग टूल्स यूज करना सिखाए थे। आज के लेक्चर में हम आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल क्रिएट करना, इंसर्ट करना, ड्रॉ करना, ड्रैग वगैरह करना ये सब सिखाएंगे। तो दोस्तों, टेबल क्या होता है? अक्सर आपने अपनी रिजल्ट शीट वगैरह में इस तरह मार्क्स लिखे हुए देखे होंगे, तो ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है टेबल्स, जो कि वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल रोज पर मुश्तमिल होता है। ये जो आपको लंबी लंबी लाइनें नजर आ रही हैं, ये कहलाती हैं वर्टिकल कॉलम्स एक टेबल के अंदर, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये कहलाती हैं रोज। बिल्कुल ऐसा ही एक टेबल आप एमएस वर्ड के अंदर भी बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम आपको एमएस वर्ड में किस तरह आप टेबल को अलग अलग तरीकों से क्रिएट कर सकते हैं वो सिखाते हैं। दोस्तों, एमएस वर्ड में टेबल को इंसर्ट कराने के लिए आपको सबसे पहले मेन्यू बार में से इंसर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत से मेन्यूज नजर आएंगे, तो इनमें आप टेबल के मेन्यू पर जाएंगे और यहाँ पर आप इस टेबल पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको छोटे छोटे बॉक्सेस नजर आ रहे हैं इंसर्ट टेबल के नीचे। ये बॉक्सेस जो है ये किस लिए होते हैं? दोस्तों, याद रखिए, ये जो आपको इस जगह पर बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, तो जैसे जैसे आप इन बॉक्सेस को सिलेक्ट करते जाएंगे तो आपके डॉक्यूमेंट में रोज इंसर्ट होती जाएंगी, क्योंकि हमारा जो टेबल होता है वो रोज और कॉलम्स पर मुश्तमिल होता है। तो रोज को इंसर्ट कराने के लिए आपको यहाँ से इस वर्टिकल लाइन में से, यानी सीधे सीधे रोज को सिलेक्ट करना होगा, और जितने बॉक्सेस आप सिलेक्ट करेंगे उतनी ही रोज आप अपने टेबल में इंसर्ट करा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये जो आपको यहाँ पर बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, जैसे जैसे आप इन बॉक्सेस को सिलेक्ट करेंगे तो आपके टेबल में कॉलम्स इंसर्ट होते जाएंगे, कॉलम्स आपके टेबल में पुट होते जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर मैं इन बॉक्सेस को सिलेक्ट कर रही हूँ, और जैसे जैसे मैं इन बॉक्सेस को सिलेक्ट कर रही हूँ तो आप देखिए कि आपके डॉक्यूमेंट में रोज इंसर्ट हो रही है, और जैसे जैसे मैं इसको सीधे हाथ की तरफ लेकर जा रही हूँ, यानी यहाँ के बॉक्सेस सिलेक्ट कर रही हूँ, तो आपके टेबल में कॉलम्स इंसर्ट होते जा रहे हैं। तो याद रखिए, ये जो बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं ये रोज के लिए हैं, और ये जो बॉक्सेस हैं ये कॉलम्स के लिए हैं। अब फॉर एग्जांपल, मैं अपने टेबल में 3 रोज और 3 कॉलम्स इंसर्ट करना चाहती हूँ, तो मैं पहले यहाँ से 3 रोज सिलेक्ट करूंगी। अब मेरे टेबल में 3 रोज आ चुकी है। इसके बाद इसको बाएं जानिब ले जाते हुए 3 यहां से बॉक्सेस सिलेक्ट करूंगी, तो इस तरह से मेरे टेबल में 3 रोज और 3 कॉलम्स वाला टेबल इंसर्ट हो चुका है। इसके बाद मैं जैसे ही इसको छोड़ूंगी तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा एक टेबल क्रिएट हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों, आप खुद से भी टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। आपने सबसे पहले टेबल के अंदर जाना है, उसके बाद आप यहाँ पर इंसर्ट टेबल करेंगे। तो जैसे ही आप इंसर्ट टेबल करेंगे, आपके सामने एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें वो आपसे पूछ रहा होगा कि आप कितने नंबर ऑफ कॉलम्स वाला टेबल डालना चाहते हैं, यानी एक टेबल में आप कितने कॉलम्स इंसर्ट करवाना चाहते हैं, कितनी रोज इंसर्ट करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं 5 रोज इंसर्ट कराना चाहती हूँ, तो मैं इस तरह से इसको इंक्रीज करती जाऊंगी, और अगर आपको कम रोज लेनी है तो आप इसको इस तरह से डिक्रीज करते जाएंगे। तो दोस्तों, मैंने 5x5 यानी 5 रोज और 5 कॉलम्स पर मुश्तमिल एक टेबल असाइन कर दिया है। अब जैसे ही मैं इसको ओके करूंगी तो आपके सामने ये एक टेबल 5 रोज और 5 कॉलम्स पर मुश्तमिल टेबल आपके सामने मौजूद है। तो दोस्तों, इसके अलावा इंसर्ट टैब में आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन नजर आ रहे हैं। तो ये जो फिक्स्ड कॉलम विड्थ है, इसके अंदर इसकी विड्थ फिक्स्ड है, विच इज ऑटो। तो यहाँ आपने देखा था कि मैंने कोई विड्थ असाइन नहीं की थी, एमएस वर्ड ने इसको खुद ऑटोमेटिकली असाइन कर दिया था। लेकिन आप खुद से विड्थ यानी हर कॉलम की चौड़ाई अगर आप खुद से भी बताना चाहते हैं तो वो आप सिंपली इस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं और इस तरह से डिक्रीज कर सकते हैं। और जैसे ही आप अपनी मर्जी से कॉलम की विड्थ इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे और ओके करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि जो भी आपने विड्थ ली थी उसी हिसाब से आपका टेबल क्रिएट हो गया है। इसके अलावा आपको इसके अंदर और भी ऑप्शन नजर आ रहे थे, विच इज अ ऑटो फिट टू कॉन्टेंट्स।
दोस्तों ऑटो फिट टू कंटेंट्स क्या होता है, इसमें ये आप जो भी टेक्स्ट इसके अंदर अंदर इंसर्ट करेंगे अपने कॉलम्स में, ये उसी के हिसाब से उसकी चौड़ाई जो है वो उसी के हिसाब से ऑटोमेट करेगा, मतलब खुद ही बढ़ा देगा और खुद ही घटा भी देगा। अभी देखिएगा आप, मैंने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैंने ओके कर दिया, तो अब एक छोटा सा आपके सामने टेबल क्रिएट हो गया है। लेकिन आप देखिएगा कि जैसे जैसे मैं इसमें टेक्स्ट इंसर्ट करूंगी, इसकी चौड़ाई जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। ये देखिए, ये मैंने नेम इंसर्ट किया, उसके बाद मैंने यहाँ लिखा रोल नंबर, तो आप देखिएगा कि रोल नंबर जितना बड़ा वर्ड है, जितना बड़ा टेक्स्ट है, उसकी विड्थ भी उस कॉलम की, ये कहलाता है कॉलम, तो उसकी विड्थ भी उतनी ही बड़ी है, विच मीन्स कि ये ऑटो, क्योंकि ये ऑटो फिट टू कंटेंट्स था, तो जैसे जो भी टेक्स्ट होगा वो ऑटोमेटिकली उसको उन कॉलम्स में फिट कर देगा। इसके बाद आपको नजर आ रहा है ऑटो फिट टू विंडो। दोस्तों ऑटो फिट टू विंडो का मतलब ये है कि आपके डॉक्यूमेंट का साइज देखते हुए ये ऑटोमेटिकली खुद ही उसकी विड्थ उसी साइज के बराबर कर देगा। दोस्तों अभी आपने 5 कॉलम्स और 2 रोज लिए हैं, तो देखिएगा कि ये इनको उसी आपके डॉक्यूमेंट में फिट कर देगा, खुद ही उसकी चौड़ाई को डॉक्यूमेंट के हिसाब से असाइन कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अभी आपके टेबल के अंदर 5 कॉलम्स और 2 रोज हैं, और आप जैसे ही ऑटो फिट टू विंडो पर क्लिक करेंगे तो अब आप देखिएगा कि ये जो कॉलम्स और रोज हैं ये आपके पूरे डॉक्यूमेंट पर आपको नजर आएंगे इस तरह से। तो दोस्तों इस तरह आप अगर चाहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में पूरा एक टेबल नजर आए आपके पूरे पेज पर, तो वो आप इस तरह से ऑटो फिट टू विंडो करके असाइन। दोस्तों आप एमएस वर्ड में, जिस तरह आप कॉपी पर कोई टेबल ड्रॉ करते हैं, आप एमएस वर्ड में भी कर सकते हैं। आपको सिंपल इसी टेबल के ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर आपको इंसर्ट टेबल के नीचे ड्रॉ टेबल का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेंसिल नुमा आपको एक पेंसिल बनी हुई नजर आएगी, तो आप इस तरह से अपने माउस की मदद से ड्रैग करके खुद से भी अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले आप बॉर्डर्स ड्रॉ करेंगे, उसके बाद जितने आपको कॉलम्स चाहिए आप वो कॉलम्स ड्रॉ करेंगे, उसी तरीके से आपको जितनी रोज चाहिए होंगी, जहां जहां रोज चाहिए होंगी, वो आप इसी ड्रैगिंग के अमल के जरिए आप ड्रैग करके कोई भी रो और कॉलम्स इंसर्ट करा सकते हैं। तो दोस्तों आप अपनी मर्जी का कोई भी टेबल भी ड्रॉ कर सकते हैं, और दोस्तों इस ड्रॉ टेबल के जरिए आपको यहाँ पर टॉप पर जैसे ही आप टेबल ड्रॉ करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी, फॉर एग्जाम्पल आप किसी रॉ को इरेज करना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, तो आप सिंपल उस इरेजर को क्लिक करके उस रॉ पर लेकर जाएंगे, उस कॉलम पर लेकर जाएंगे, आप उसको इरेज कर देंगे। इसी तरीके से आप कोई भी रॉ ऊपर इंसर्ट कराना चाहते हैं तो आप इसके जरिए करवा सकते हैं, अगर नीचे की तरफ यानी बिलो पर कोई रॉ इंसर्ट कराना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, कोई कॉलम इंसर्ट कराना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके कर सकते हैं। मतलब मल्टीपल आपको यहाँ पर ऑपरेशन नजर आ रहे हैं जो कि आप अपने ड्रॉइंग टेबल पर जो भी आपने टेबल ड्रॉ किया है उस पर परफॉर्म कर सकते हैं, और इस तरीके से जो भी चीज, जो भी सेल डिलीट करना चाहते हैं आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी मर्जी का कोई भी टेबल खुद से ड्रॉ करने के बाद उस पर ये तमाम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शनैलिटी टेबल के लिहाज से आपको एमएस वर्ड प्रोवाइड करता है वो है एक्सेल स्प्रेडशीट। दोस्तों इसकी मदद से आप कोई भी स्प्रेडशीट, अक्सर आप जब भी कोई कारोबार वगैरह संभाल रहे होते हैं तो आपको स्प्रेडशीट वगैरह पे काम करना होता है फाइनेंसेस के उसको संभालने के लिए, तो आप एक्सेल स्प्रेडशीट पर क्लिक करके कोई भी स्प्रेडशीट अपने एमएस वर्ड के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। अभी आप देखिएगा ये आपके सामने इस तरह की स्प्रेडशीट भी आपके पास आ गई है। अब आप अपनी मर्जी से इसके अंदर जो भी चीज इंसर्ट करना चाहते हैं आप इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक और ऑप्शन दिया जाता है विच इज क्विक टेबल्स। दोस्तों क्विक टेबल्स के जरिए एमएस वर्ड आपको अलग अलग तरह के टेबल्स प्रोवाइड करता है, उन टेबल्स को आप सिलेक्ट करके अपनी मर्जी से उसके अंदर कोई भी डाटा इंसर्ट करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इस टेबल को सिलेक्ट कर रही हूँ, जैसे मैंने इस टेबल को सिलेक्ट किया अब आप अपनी मर्जी का सिटी, जो भी आपका सिटी है, फॉर एग्जाम्पल कराची, इस्लामाबाद, जो भी सिटी आप इसके अंदर डालना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। उसके अलावा आप पॉइंट ए पॉइंट बी की जगह अपनी मर्जी से जो भी चीज आप इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यानी इससे होगा क्या कि आपका वक्त बच जाएगा, आपको सिर्फ अलग अलग डिजाइन के टेबल मिल जाएंगे और आपको सिर्फ उसके अंदर अपनी मर्जी का टेक्स्ट इंसर्ट करना होगा। दोस्तों यहाँ पर एक और टेबल्स के अंदर आपको एक चीज प्रोवाइड की जाती है विच इज
कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, यानी आप अपने टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, आइए देखें दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं नेम, उसके बाद अपने कीबोर्ड से टैब दबाते हैं, उसके बाद लिखते हैं रोल नंबर, और रोल नंबर लिखने के बाद आप लिखते हैं मार्क्स टैब की दबा के। अब आप चाहते हैं कि इसका जो है ऑटोमेटिकली ये जो टेक्स्ट है ये टेबल में कन्वर्ट हो जाए, तो आप वो कैसे होगा, आप सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद टेबल पर जाएंगे और यहाँ पर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल कर देंगे। तो आप देखिएगा कि आपको यहाँ पर स्पेस देकर तीन नाम नजर आ रहे हैं, तीन अलग अलग तरह के वर्ड्स नजर आ रहे हैं, तो ये उसी को देखते हुए खुद से तीन कॉलम्स और एक रॉ जनरेट कर देगा, एक रॉ पर मुश्तमिल टेबल जनरेट कर देगा। ये देखिए, ये आपको खुद भी दिखा रहा है कि आप नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पर तीन होंगे क्योंकि आपके वर्ड्स जो हैं वो तीन हैं और नंबर ऑफ रॉज जो हैं वो एक होगी, और ये क्योंकि आपने टैब की दबा दबा कर आपने ये लिखा था ये टेक्स्ट, तो इसने यहाँ पर टैब सिलेक्ट किया हुआ है। अब आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक टेबल बना हुआ आपको नजर आ रहा है जो कि तीन कॉलम्स और एक रॉ पर मुश्तमिल है। और आप अगर इस टेबल पर अलग अलग डिजाइन बनाना चाहते हैं तो दोस्तों मैंने ये नहीं सिलेक्ट किया, ऑटोमेटिकली आपके सामने अलग अलग डिजाइन आ गए हैं। तो जैसे जैसे आप इन पर कर्सर लेकर जाएंगे तो आप नीचे भी देखेंगे कि आपका ये जो टेबल है ये उसी हिसाब से चेंज हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये ऐसा है, फिर ऐसा हो गया, फिर इस तरीके से, यानी अलग अलग डिजाइन आप बॉर्डर्स भी सिलेक्ट करके इसको मजीद इनहांस और खूबसूरत कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप टेक्स्ट को भी टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो लास्ट आपको फीचर आपका एमएस वर्ड प्रोवाइड करता है टेबल्स के हिसाब से, वो है ड्रैग एंड ड्रॉप द टेबल। तो दोस्तों आप अपने टेबल्स को ड्रैग करके इनको मजीद जितना बड़ा आप करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और जितना छोटा और करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं माउस की मदद से। डियर फ्रेंड्स, ये वो तरीकेकार थे जिनके जरिए आप अपने डॉक्यूमेंट में टेबल को इंसर्ट करा सकते हैं, क्रिएट करा सकते हैं, ड्रॉ करा सकते हैं। अगले लेक्चर में हम कॉलम्स, टेक्स्ट बोर्ड और क्लिप बोर्ड की डिटेल्स आपको फराहम करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।